महाराष्ट्र में सीएम पद को लेकर शिवसेना अपनी जिद पर अड़ी है। बीजेपी से सीएम पद के लिए ढाई ढाई साल की मांग कर रही है। अब बीजेपी मानेगी या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन खुद शिवसेना को भी अब तक ये पता नहीं कि कुर्सी के लिए किसका नाम आगे किया जा रहा है। जी हां, शिवसेना में भी सीएम पद को लेकर ऊहापोह की स्थिति है, जिसमें पिता पुत्र के नाम पर सस्पेंस जारी है। सियासत में जब वक्त बदलता है तो नीतियां भी बदल जाती हैं। पुराने विचार इतिहास में बदलते हैं और नए विचारों के साथ सियासत का नया सफर शुरू होता है। महाराष्ट्र में शिवसेना का भी यही हाल है। 53 साल तक शिवसेना की कमान संभालने वाले ठाकरे परिवार से अब तक कोई चुनावी मैदान में नहीं उतरा था, न ही कोई सीएम पद का दावेदार बना था। लेकिन अब ठाकरे परिवार का सदस्य न सिर्फ सदन तक पहुँचा है, बल्कि पिता और पुत्र में ही सीएम पद की दावेदारी को लेकर सस्पेंस शुरू हो गया है। जी हाँ, कल तक सूबे में आदित्य ठाकरे के नाम के पोस्टर लगते थे, लेकिन अब पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे को सीएम बनाने की मांग तेज हो गई है। मातोश्री के बाहर लगे पोस्टर इस बात को बयां कर रहे हैं कि शिव के सैनिक उद्धव को सीएम बनाने की मांग कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि अगर शिवसेना सत्ता की दहलीज को लांघ जाती है तो उद्धव ठाकरे ही सीएम बनेंगे। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उद्धव को सियासत का तजुर्बा है। उन्होंने 1989 से बीजेपी के साथ गठबंधन का दौर देखा है, दूसरे विपक्षी दलों से भी उनकी करीबियां हैं। इसलिए आदित्य के जिद छोड़ अब उद्धव ठाकरे को सीएम पद का दावेदार बनाया जा रहा है। शिवसेना ये अच्छे से जानती है कि आदित्य युवा ताकत से तो जीत जाएंगे, लेकिन तजुर्बे में मात खा जाएंगे। उन्हें राजनीति में परिपक्व बनने की जरूरत है। उनकी इसी कमजोरी का फायदा बीजेपी उठा सकती है, इसलिए बीजेपी को घेरने के लिए उद्धव के नाम के पर्चे और चर्चे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि इस दावेदारी पर क्या बीजेपी के तेवर नरम पड़ते हैं या फिर गरम तेवर के साथ ही शिवसेना के साथ तल्खियां बरकरार रहेंगी। डीवी लाइव की रिपोर्ट।